हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और आप देख रहे हैं TechScrew। और आज मेरे पास ये है ना टीपी लिंक का एक वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है। इसका जो मॉडल नेम है ना वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में मेंशन किया गया है N300। यहाँ पे मेंशन है 300 Mbps तक का जो स्पीड है ना वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड ये रेंज एक्सटेंडर जो है ना आप अपने 2.4 GHz वाले होस्ट नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। बॉक्स पे मेंशन है कि किसी भी राउटर के साथ ये कंपैटिबल है। हम जियो फाइबर का राउटर के साथ इसको यूज करेंगे। मेरे पास जो जियो फाइबर का राउटर है वो डुअल बैंड वाला है, तो वहां पे आपको 5 GHz का भी नेटवर्क मिलता है और 2.4 GHz का भी नेटवर्क मिलता है। बट ये जो रेंज एक्सटेंडर है ये सिर्फ 2.4 GHz वाले नेटवर्क के साथ ही वर्क करेगा। और हम इस वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को पिछले 10 दिनों से यूज कर रहे हैं और हमको एक काफी यूजफुल गैजेट लगा। एंड जहां पे मेरे वाईफाई का नेटवर्क जो है ना वो ऑलमोस्ट एंड हो जाता था या नेटवर्क स्ट्रेंथ काफी कम आता था, तो जिसके कारण नेटवर्क स्पीड भी हमको अच्छा नहीं मिलता था, तो वो रेंज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। एंड इस रेंज एक्सटेंडर को हम अमेज़न से परचेज किए हैं और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप इस रेंज को भी यूज कर सकते हैं, किसी और रेंज एक्सटेंडर को भी यूज कर सकते हैं। ये काफी इजी टू यूज लगा हमको, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका जो प्राइसिंग है वो वैरी करते रहता है 1200-1300 रुपीस के अराउंड। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं या लेटेस्ट प्राइस जो है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको नेटवर्क स्पीड टेस्ट का कंपैरिजन भी दिखाएंगे कि रेंज एक्सटेंडर के नेटवर्क से कनेक्ट करने पे एंड जो मेरा राउटर का वाईफाई नेटवर्क है उससे कनेक्ट करने पे स्पीड में कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जहां पे मेरा वाईफाई नेटवर्क का नेटवर्क स्ट्रेंथ काफी कम आता था। तो स्टार्ट करते हैं एंड एकदम स्टार्टिंग से हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाए, इसलिए वापस से हम इसको पैक कर दिए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं टीपी लिंक वाईफाई रेंज एक्सटेंडर N300 300 Mbps 2.4 GHz वाईफाई डेथ जोन किलर, इजी सेटअप, टीदर ऐप के थ्रू आप इसको सेटअप कर सकते हैं। यहां पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है एंड इस पे आपको 3 ईयर्स का वारंटी जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। कुछ और यहां पे एक्सेस कंट्रोल, LED कंट्रोल ये सब बताया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम वीडियो में आपको आगे दिखा देंगे। तो फटाफट से हम यहां पे बॉक्स जो है वो ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको जो है ना एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड देखने के लिए मिल जाता है। बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो फिर आपको इस क्विक इंस्टॉलेशन गाइड का जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये रहा रेंज एक्सटेंडर एंड इनिशियल इंप्रेशन में जो है ना हमको एकदम प्रीमियम क्वालिटी के ऑल आउट मशीन के जैसा लगता है। एंड यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे 3 पिन देखने के लिए मिल जाता है, डायरेक्टली आपको इसको अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट में प्लग कर देना है एंड ये फिर आप यूज कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक लैन पोर्ट दिया गया है, तो अगर आपके पास इस तरीके का केबल है ना तो आप वायर्ड तरीके से भी इंटरनेट जो है इससे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक रीसेट बटन मिल जाता है, 1 सेकंड तक अगर आप किसी पिन से इसको प्रेस करते हैं तो आप इस डिवाइस को रीसेट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन देखने के लिए मिल जाता है WPS का, इसको टैप करेंगे तो आप WPS को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेटवर्क के लिए जो है ना कुछ लाइट्स देखने के लिए मिलेगा, फिर ईथरनेट का एक लाइट है, पावर के लाइट है, वायरलेस कनेक्शन के लाइट है एंड RE जो है वो आपका कनेक्शन जब स्टेब्लिश हो जाता है ना तब ये वाला लाइट जो है वो कंटिन्यूस ग्लो करता रहता है। तो अब यहाँ पे फटाफट से इसका सेटअप प्रोसेस जो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप इसको सेटअप करने के समय कनेक्ट किए हैं बाद में भी आप उसी इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसको यूज करें। यहां से आप निकाल के किसी दूसरे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाएंगे तो आपको वापस से सेटअप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार सेटअप करना पड़ता है। तो जब आप इस रेंज एक्सटेंडर को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाते हैं ना तो पावर का लाइट कुछ कुछ देर पे ब्लिंक करते रहता है, तो आपको कुछ देर वेट करना है जब तक पावर लाइट एंड वायरलेस का जो लाइट है ना वो कंटिन्यूस ग्लो ना करने लगे। इस तरीके से इस रेंज एक्सटेंडर को सेटअप करने के लिए आपको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से टीदर ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिंक हम इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टीपी लिंक आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो आपके पास टीपी लिंक आईडी एंड पासवर्ड होगा नहीं, तो यहाँ पे आप क्रिएट टीपी लिंक आईडी पे टैप करेंगे, आपको एक जो है ना ईमेल एड्रेस देना है एंड 2 बार यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद एक कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा, जस्ट उस ईमेल में आपको एक कंफर्मेशन लिंक होगा, उसके ऊपर आप टैप करेंगे एंड आपका टीपी लिंक का जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोडिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा, नो डिवाइस फाउंड देखने के लिए मिलेगा, ऊपर में आपको प्लस का आइकन देखने के लिए मिलेगा, प्लस के आइकन के ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको रेंज एक्सटेंडर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे पावर LED इज सॉलिड ऑन लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर LED जो है वो सॉलिड ऑन है, तो हम आप पावर LED इज सॉलिड ऑन पे टैप कर देंगे। एंड उसके बाद आपको लोकेशन परमिशन का जो टॉगल है उसको इनेबल करना है और लोकेशन का आपको परमिशन देना है व्हाइल यूजिंग ऐप, फिर नेक्स्ट पे टैप करना है एंड फिर जो है ना ये आपके एक्सटेंडर को सर्च करेगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट टू डिवाइस का एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें टीपी लिंक एक्सटेंडर से टेम्पररी बेसिस पे आपके फोन को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली कनेक्ट पे टैप कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो टीपी लिंक एक्सटेंडर से कनेक्ट हो जाएगा टेम्पररीली। एंड यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जो है ना दो बार एंटर कर देना है। आपके टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर को मैनेज करने के लिए ये पासवर्ड है, आपके टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर का जो वाईफाई नेटवर्क है ये उसका पासवर्ड नहीं है। जस्ट इस रेंज एक्सटेंडर को अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस करना पड़ता है ना तो ये पासवर्ड आपके लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड जो है वो एंटर कर दिए हैं, क्रिएट के ऊपर हम टैप कर देते हैं एंड उसके बाद हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि ये रेंज एक्सटेंडर जो है आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले होस्ट नेटवर्क को ही एक्सटेंड कर सकता है। अब हम जो जियो फाइबर यूज कर रहे हैं उसका जो राउटर है वो डुअल बैंड राउटर है, तो वहां पे जो है ना जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है वो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। तो जो भी आसपास 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड वाला होस्ट नेटवर्क है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो sorry_4G है ना यही मेरा होस्ट नेटवर्क है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला, और इसका जो पासवर्ड है वाईफाई पासवर्ड वो हमको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है एंड फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देना है, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है, फिर यहाँ पे आपको अप्लाई पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेटवर्क वाला लाइट है ये ग्लो करने लगा है। तो यहाँ पे आपको 5 नेटवर्क वाला लाइट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर में एक RE वाला लाइट है जो कि कनेक्शन सक्सेसफुल होने पे जलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वायरलेस का एक लाइट मिलता है, फिर पावर का एक लाइट मिलता है, और जब आप इस LAN पोर्ट के थ्रू इंटरनेट यूज करेंगे तो उस समय पे आपका ईथरनेट वाला लाइट जो है वो भी ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लोकेशन लुक्स गुड लिख रहा है तो यहाँ पे हम टैप कर देते हैं एंड उसके बाद जो है ना आपको कनेक्ट टू नेटवर्क के ऊपर टैप करना होगा एंड यहाँ पे जो आपका नेटवर्क है वो शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो sorry_4G है ये मेरा 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला नेटवर्क है, वाईफाई नेटवर्क है एंड ये जो sorry_4G_EXT है वो इस वाईफाई रेंज एक्सटेंडर का नेटवर्क है। तो अगर हमको इससे कनेक्ट करना है तो जस्ट हमको जो है ना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, सेम पासवर्ड रहता है जो कि आपके वाईफाई राउटर का रहता है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड को, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा और ये कनेक्टेड हो जाएगा। एंड अगर आपको इस रेंज एक्सटेंडर को रीसेट करना है, जैसा कि इस वीडियो को बनाने से पहले हम इसको रीसेट कर दिए थे एंड वापस से हम आपको ये सारा प्रोसेस दिखाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि इसको पावर ऑन कंडीशन में, मतलब जब ये सॉकेट से कनेक्टेड होगा उस समय आपको इस तरीके का एक पिन लेना है एंड यहाँ पे जो रीसेट बटन है इसको जस्ट प्रेजेंट होल्ड करके 1 सेकंड तक रखना है, सारा लाइट्स ऑफ हो जाएगा एंड पावर बटन वापस से ग्लो करने लगेगा एंड वापस से आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। एंड ये जो 5 नेटवर्क स्ट्रेंथ का लाइट है ये बताता है कि आपका जो रेंज एक्सटेंडर है वो आपके होस्ट नेटवर्क के कितने अच्छे नेटवर्क एरिया में है। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने घर में ही एक ऐसे जगह पे है ना जहां पे ये जो होस्ट नेटवर्क है जिसके रेंज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसका नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आता है, कभी-कभी ये नहीं आता है और ऐसे तो आप देख सकते हैं कि काफी वीक नेटवर्क स्ट्रेंथ यहां पे शो कर रहा है। एंड ये जो रेंज एक्सटेंडर है ना इसको फिलहाल हम डेथ जोन, मतलब जहां पे होस्ट नेटवर्क का नेटवर्क स्ट्रेंथ नहीं आता है, और राउटर के बीच में एक जगह पे लगा दिए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो होस्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहां पे हम लोग जो है ना फटाफट से एक बार यहां पे हम नेटवर्क स्पीड टेस्ट जो है वो रन कर लेते हैं, और फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो होस्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड यहां पे अभी तक ये कनेक्टिंग ही शो कर रहा है एंड आई थिंक ये नहीं रन कर पाएगा बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रेंथ जो है वो होस्ट नेटवर्क का काफ़ी वीक है। तो यहाँ पे एरर आ गया, फोन को जो रेंज एक्सटेंडर है उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेंज एक्सटेंडर को कनेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो रेंज एक्सटेंडर के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम डन कर देते हैं एंड अब यहाँ पे हम एक बार जो है ना नेटवर्क स्पीड टेस्ट जो है वो रन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 Mbps के अराउंड का जो है ना हमको डाउनलोड स्पीड जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19-18 Mbps का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड जो है यहाँ पे हमको मिल जाता है। मेरा 30 Mbps वाला कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो मेरा फोन है वो रेंज एक्सटेंडेड के नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड यहाँ पे अब जो है ना हम यहाँ पे एक बार नेटवर्क स्पीड टेस्ट वापस से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड स्पीड है वो 9 Mbps के अराउंड है, अपलोड स्पीड 18.8 Mbps के अराउंड है। अब हम लोग जो है ना एक बार वायर्ड कनेक्शन जो है वो कनेक्ट करेंगे इसी रेंज एक्सटेंडर से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज एक्सटेंडर से हम जो है ना एक लैन केबल कनेक्ट किए हैं, ईथरनेट वाला जो लाइट है वो भी जल रहा है और ये जो केबल है वो जा रहा है हब के थ्रू मेरे फोन में। अब यहाँ पे हम लोग एक बार जो है ना स्पीड टेस्ट वापस से रन कर लेते हैं कि क्या वायर्ड कनेक्शन में स्पीड जो है वो कुछ इम्प्रूव देखने के लिए मिलता है
या जैसा वायरलेस में स्पीड था वैसा ही स्पीड देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड स्पीड है वो ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है वायरलेस के कंपैरिजन में। एंड अगर हम बात करते हैं अपलोड स्पीड का, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपलोड स्पीड भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। जहाँ 18-19 Mbps का आपको अपलोड स्पीड मिल रहा था, वहाँ पे 28.9 Mbps का अपलोड स्पीड शो कर रहा है। तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव देखने के लिए मिला। सो फ्रेंड्स, ये था टीपी लिंक का 300 Mbps वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ दिखाने का कोशिश किए कि कैसे आपको इसको सेटअप करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, और जिस जगह पे आपका जो होस्ट नेटवर्क है, आपका जो वाईफाई है, उसका नेटवर्क स्ट्रेंथ काफ़ी वीक हो जाता है, उस जगह पे आप इस टीपी लिंक के रेंज एक्सटेंडर को यूज़ करके किस तरीके से अपने रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं और कितना स्पीड में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। एज वेल एज यहाँ पे आपको एक वायर्ड कनेक्शन का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, वायरलेस कनेक्शन इसके थ्रू एंड वायर्ड कनेक्शन इसके थ्रू में कितना स्पीड डिफरेंस है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश किए। बाकी अगर आपको इस रेंज एक्सटेंडर को परचेज करना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय इसका प्राइस अमेजोन पे 1400 रुपीज़ है, एंड 1400 रुपीज़ में हमको ये थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। आप सेल में देख सकते हैं इसका प्राइस हो सकता है आपको थोड़ा सा एग्रेसिव देखने के लिए मिल जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।